हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा। सो गाइस, कल हमने ग्रेचुटी के एमसीक्यूज किए थे, पार्ट वन उसका हमने डिस्कस किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट। कल 5 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, आज 6 एमसीक्यूज और हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद फिर आपको ग्रेचुटी एक्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कल मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था रिलेटेड टू द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसके अंदर ग्रेचुटी का प्रोविजन है। मैंने आपसे पूछा था कि जर्नलिस्ट को ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होने के लिए कंटिन्यूस सर्विस कितने पीरियड का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने उसका जवाब दिया, जो काफ़ी निराशाजनक है। कमेंट करने से शर्माने का नहीं है, कमेंट करने का मतलब उसमें देखो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कई बच्चे इस चीज़ में भी उल्टा सीधा सोचते हैं कि कमेंट होगा तो ये अपने चैनल के लिए फ़ायदे के लिए बोल रहा है कुछ चीज़। जब आपको कमेंट करने को बोली जाती है या टाइप करने को बोली जाती है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब आप कुछ चीज़ को लिखते हो ना, या कुछ चीज़ को स्पेशली आंसर करते हो, तो उसमें वो दिमाग के अंदर चिपक जाता है। और दूसरे टाइप के बच्चे जिनको आंसर नहीं आता था, जो ये वेट कर रहे हैं कि सर आ करके बताएंगे, और उन्होंने बिल्कुल भी उसको गूगल करने की कोशिश नहीं की, वो भी गलत है। क्योंकि सिर्फ मेरी बात नहीं है, कभी भी किसी भी टीचर या किसी भी सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ। अब फॉर एग्जाम्पल, कल तुमको वो सवाल देने के बाद मैं आता ही ना कभी दोबारा यूट्यूब पे लेक्चर लेने, तो मतलब उसको तुम ऐसे ही छोड़ देते क्या? तो आंसर किया करो, अगर मैं कोई सवाल तुमको बोलता हूँ उसको आंसर किया करो। तो ग्रेचुटी का पार्ट टू करेंगे। एंड एमसीक्यू कोर्स है हमारा कॉम्बो कोर्स, जिसके अंदर IRA, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और गैप के एमसीक्यूज आपको मिलते हैं सोल्यूशंस के साथ। यूट्यूब फाइल्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो मैं तो रिकमेंड बच्चों को ये करूंगा, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब PDF की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, नो डाउट दैट्स वेरी गुड, बट MCQ कॉम्बो कोर्स की सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि उसमें क्या है ना, उसमें PDF ऑलरेडी इंक्लूडेड है और प्राइस कुछ भी नहीं है। UPSC EPFO 50% ऑफ चल रहा है, उसको लगाओगे तो बहुत लो प्राइसेस में आपको एक कोर्स मिलता है विद इंक्लूजन ऑफ PDF, तो वो एक फायदेमंद ऑफर है। सवाल के ऊपर आ जाओ। पहला सवाल, द ग्रेचुटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉई ऑन, ऑप्शन ए सुपर एनुएशन, ऑप्शन बी रेजिग्नेशन, ऑप्शन सी डेथ एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। ग्रेचुटी कब आप किसी को पे करते हो? देखो, मिनिमम पीरियड, मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस तो आपकी 5 साल की है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 5 साल की मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए। बट कब बेसिकली, क्या कोई रिजाइन कर रहा है तो आप ग्रेचुटी दोगे? तो आंसर यहां पर आपका होने वाला है डी। ओके, सुपर एन्युएशन बेसिकली बेटा, सुपर एन्युएशन क्या होता है, वो भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट ही होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट उसको हम बोलते हैं। तो आप चाहे रिटायर हो रहे हो, आप रिजाइन कर रहे हो, या आप डेथ हो रही है बंदे की, तब भी उसको ग्रेचुटी मिलेगी। डेथ के केस में तो 5 साल वाला प्रोविजन भी नहीं लागू होता। ओके, सो ग्रेचुटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। ये हमने देखा था, सुपर एन्युएशन हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, रिजाइन कर रहा है, डेथ या डिसेबलमेंट, कोई भी रीजन हो, अगर 5 साल पूरे हो गए तो यू विल बी गेटिंग द ग्रेचुटी। नेक्स्ट, द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी इज डन एट द रेट ऑफ डैश डेज ऑफ वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो बेसिकली ग्रेचुटी की कैलकुलेशन कैसे होती है? ग्रेचुटी की कैलकुलेशन में क्या होता है, जितने आपके सर्विस के ईयर होते हैं ना, वो काउंट करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 साल तक एक कंपनी में काम किया, ठीक है, तो अब 20 साल के हिसाब से आपकी ग्रेचुटी कैलकुलेट होगी। ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेम ग्रेचुटी मिलती है, किसी ने अगर 10 साल काम किया है तो उसकी ग्रेचुटी अलग होगी, किसी ने 20 साल काम किया है तो उसकी ग्रेचुटी अलग होगी। तो ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होती है, बेसिकली जितने साल हैं उतने सालों की ग्रेचुटी आपको मिलेगी। वो एक नंबर ऑफ डेज ऑफ वेजेस होते हैं, उन नंबर ऑफ डेज ऑफ वेजेस के बेसिस पे होती है। आंसर यहां पर आपका होगा ऑप्शन बी, 15 डेज। ठीक है, तो बेसिकली 15 डेज की वेजेस को आपकी देखा जाएगा, जो भी एवरेज आपने 20 साल काम किया तो आपकी 20 साल की 15 डेज की वेजेस कैलकुलेट की जाएंगी एवरेज, और फिर उसको इंटू 20 कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, किसी की अगर सैलरी है 1 लाख रुपए, एवरेज उसकी सैलरी आती है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो इसका 15 डेज की वेजेस होगी लमसम 50,000 रुपए, और उसने 20 साल काम किया तो उसको इंटू 20 कर देंगे, तो 50,000 इंटू 20 कितना हो गया, 10 लाख रुपीज हो जाएगा, तो ये उसकी ग्रेचुटी का अमाउंट हो गया। ओके, इस तरीके से, तो 15 डेज याद रखेंगे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी सेम प्रोविजन है, ऑलमोस्ट सारे सेम प्रोविजन है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, जो ग्रेचुटी के प्रोविजन है। कंसिडर द फॉलोइंग, डैमेज ड्यू टू नेग्लिजेंस, टर्मिनेशन ड्यू टू वॉयलेंस,
एक्ट टर्मिनेशन, बेसिकली जॉब टर्मिनेशन की यहाँ पर बात हो रही है, एक्ट ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड लाइक सेक्सुअल हरासमेंट, द एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट और फोरफिट, डिडक्ट का मतलब होता है काटना और फोरफिट का मतलब होता है पूरे तरीके से रोक देना, द ग्रेच्युटी इन विच अमंग द अबव केसेस। तो किस केस में एम्प्लॉयर डिडक्शन कर सकता है ग्रेच्युटी में से या फोरफिट कर सकता है? डैमेज, फैक्ट्री के अंदर कोई डैमेज हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है, निकाला गया है वॉयलेंस वॉयलेंट एक्टिविटीज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर एक्ट ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन ए, तीनों केसेस में डिडक्शन और फोरफिचर किया जा सकता है। तो डिडक्शन की अगर हम बात करें तो देखो जी, सबसे पहले तो टर्मिनेशन अगर हुआ है नेग्लिजेंस की वजह से, जिसकी वजह से डैमेज हुआ है, नेग्लिजेंस जैसे कि आप शराब पी करके काम करने आ गए, तो अल्टीमेटली कंपनी का तो लॉ है कि शराब पी करके काम नहीं करना, तो वो नेग्लिजेंस कंसीडर किया जाएगा। शराब पी करके काम करने आया, उसकी वजह से आपने मशीन खराब कर दी जो एम्प्लॉयर की है, तो अल्टीमेटली आपको निकाल दिया जाएगा आपकी ग्रेच्युटी में से, फिर एम्प्लॉयर उस मशीन का जो नुकसान हुआ है उसका पैसा काट सकता है। उसके बाद आपकी ग्रेच्युटी को वो रोक भी सकता है कंप्लीटली या पार्शियली, ठीक है? अगर आपको जॉब से निकाला गया क्योंकि आप दंगे करते थे ऑर्गेनाइजेशन में, आपका कंडक्ट अच्छा नहीं था, आप वॉयलेंस करते थे, ठीक है, या फिर आपको निकाला गया बिकॉज आपके ऊपर कोई मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में आप इन्वॉल्व थे लाइक सेक्सुअल हरासमेंट, ओके, तो उस केस में वो पूरे तरीके से भी आपकी ग्रेच्युटी रोक सकता है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, इसके अंदर आंसर हाइड नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, द ग्रेच्युटी इज पेबल विद इन हाउ मेनी डेज इट बिकम्स ड्यू, तो ग्रेच्युटी ड्यू होने में एम्प्लॉयर को कितने डेज के अंदर अंदर ग्रेच्युटी जो है वो पे करनी है अकाउंट में? द आंसर इज 30 डेज, 30 डेज के अंदर ग्रेच्युटी पे करनी होगी। अगर 30 डेज के अंदर ग्रेच्युटी नहीं पे करता एम्प्लॉयर तो उस पे फिर उसका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा फिर उसको। फिफ्थ क्वेश्चन, एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, द मिनिमम इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इज, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी नहीं पे करता तो मिनिमम उसको कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने की, 12 महीने की, 24 महीने की, या 36 मंथ्स की? तो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, 6 मंथ्स। अगर ग्रेच्युटी पे नहीं करता तो मिनिमम इंप्रिजनमेंट 6 मंथ्स की होगी। देखो कोड में सीधा सीधा लिखा गया है कि अगर इस लॉ के अंदर किसी भी प्रोविजन को आप कंप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, या किसी भी रूल जो इस लॉ के अंदर बना है, तो उस केस में पनिशमेंट जो है वो इंप्रिजनमेंट हो सकती है, विच शॉल नॉट बी लेस देन 3 मंथ्स, और 1 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है, और फाइन भी हो सकता है 10,000 का कम से कम, जिसको 20,000 तक किया जा सकता है, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई जो भी वेरियस प्रोविजंस है इस एक्ट के। और दूसरा है, अगर ऑफेंस स्पेसिफिकली रिलेट करता है टू नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, अगर ग्रेच्युटी नहीं पे की एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर ने, तो उस केस में जो पनिशमेंट है मिनिमम 6 महीने की है, जो अप टू 2 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, बाकी के प्रोविजंस के लिए 3 महीने अप टू 1 ईयर, लेकिन अगर ग्रेच्युटी पे नहीं की तो उस केस में मिनिमम 6 महीने अप टू 2 ईयर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये पिछली बार पेपर के अंदर आया था, ठीक है। एज पर द अमेंडेड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल अंडर द एक्ट इज, ये क्वेश्चन आया था आपका 2021 में जो आपका एओईओ हुआ है, तो आंसर यहां पर क्या होगा, कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी होगी? ऑप्शन सी, यानी कि किसी भी इंप्लॉय को मैक्सिमम जो ग्रेच्युटी एक कंपनी दे सकती है वो 20 लाख रुपए दे सकती है, इससे ज्यादा ग्रेच्युटी का अमाउंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, किसी की सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए है, और उसकी 15 दिन की एवरेज वेज निकल करके आई 1.5 लाख रुपए, और उसको उसने 20 साल तक काम किया, उसको आपने x20 कर दिया, तो उस हिसाब से तो इसकी 30 लाख रुपए ग्रेच्युटी होनी चाहिए, बट इसको ग्रेच्युटी 30 लाख नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी इसको फिर 20 लाख ही मिलेगी, क्योंकि वो मैक्सिमम है, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रेच्युटी गाइस, एंड अब ग्रेच्युटी एक्ट की तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, बिंदास होकर के जाना, ओके। इसी तरीके से और भी एक्ट्स को मैं थ्योरी यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ये तो एमसीक्यूज थे जो एमसीक्यू कोर्स के अंदर है, तभी मैं बता रहा हूँ कि वो एमसीक्यू कोर्स काफी यूजफुल है, उसको लो, ज्यादा टाइम उसके अंदर वेस्ट मत करो। किसी को अगर फाइनेंशियल इशू है ना, अगर मैं ये भी बात आपको बोल रहा हूँ कि अगर किसी को फाइनेंशियल इशू है वो मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दे, मैं उसको भी देख लूंगा, ठीक है, आप बस कोर्स ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।